कुल मिला के प्राइस की बात करी जाए तो कुल मिला के प्राइस पर। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज ये देखो आप, यहाँ पे जो है बाइक पे मेरी काफ़ी ज़्यादा मतलब बीच बीच में स्क्रैचेस आने जो हैं शुरू हो गई है। हाल ही में मैंने ये परचेज़ की थी प्लेटिना 100 cc, तो मैंने इसकी जो है लेमिनेशन वगैरह कुछ भी नहीं करवाया। आप इसे देख सकते हो यहाँ से, अभी मैंने नंबर भी नहीं लिया हुआ है, नंबर आया नहीं है मुझे। तो यहाँ पर जो है स्क्रैचेस आने इस पर शुरू हो गए हैं, ये देखो। तो आज मैंने प्लान बनाया कि इसके ऊपर जो है ब्लैक स्मोक जो है, जो पन्नी आती है लेमिनेशन वाली, वो पूरी बाइक के ऊपर करवाते हैं और दिखाते हैं आपको कि इसका जो कॉस्ट मेरे को कितनी पड़ती है, कितनी नहीं पड़ती। ये देखो आप, आगे से भी थोड़ा वो जो है इस पर मतलब ऐसे स्क्रैचेस आनी शुरू हो गई है। तो यहाँ से अब निकलते हैं, यहाँ से अभी मैं जा रहा हूँ सेक्टर 19 में है मोटर मार्केट। वो बहुत ही मतलब जानी मानी मार्केट है, कहते हैं कि चंडीगढ़ की बड़ी मशहूर मार्केट है। तो वहीं जाते हैं और दिखाते हैं आपको इसकी जो लेमिनेशन है वो मेरे को अराउंड कितने की पड़ती है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो गाइस आप देखो, अभी चंडीगढ़ यहाँ से 10 किलोमीटर, अभी चंडीगढ़ के अंदर एंटर कर चुका हूँ और आप देखो यहाँ चंडीगढ़ का ब्यूटीफुल सा नज़ारा। एक साइड है मार्केट और सामने देखो आप रोड, पेड़ पौधे। तो गाइस अभी आप देखो सेक्टर 40-41 राउंड अबाउट पे मैं पहुंच चुका हूं। अभी वो सामने राउंड अबाउट है और ये देखो यहाँ पे कुछ दो औरतें गलत कट मारते हुए गाइस। और गाइस ये आप देखो 14-15-25-24-30-37 जो है, ये जो एरो नज़र आ रहा है ये है, मतलब इस साइड ये सारे सेक्टर पड़ेंगे। तो पहले चलते हैं 15, उसके बाद 19 आएगा। बाइक चलाते हो तो अपनी स्पीड जो है वो 40 से नीचे रखें अगर बाइक पे हो। अभी सामने देखो वहाँ सेक्टर 24-37 दिखाई दे। तो गाइस आप ये वाला बोर्ड देखो, अभी जो है लाइट हो रखी है वहाँ, इसलिए मैं यहाँ रुक गया कि आपको बोर्ड दिखा दूँ। सेक्टर 36-23 है और जो बोर्ड मतलब इसके अराउंड के हिसाब से हमें चलना होता है कि सेक्टर कौन सा कहाँ पे पड़ेगा। अगर मैं सीधे जाता हूँ तो वहाँ मेरे को 22 और 21 मिलेगा, अगर मैं यहाँ से लेफ्ट लेता हूँ तो यहाँ से आप देख लो 17-16। मैं पहले इस राउंड बाउट से आगे जाऊंगा, आगे वाले राउंड बाउट से मेरे को देखने को मिलेगा 18-19। चलो फिर चलते हैं। 19 में मोटर मार्केट है। यहाँ मैंने एक ना रिक्शे वाले से पूछा, वो सामने रिक्शे वाले खड़े हैं कि भैया 19 जाना है मैंने मोटर मार्केट। बोलते 19 में कोई मोटर मार्केट नहीं है, आप ऐसा करो 28 सेक्टर में चले जाओ, वहाँ पर मोटर मार्केट है। तो अब मैं 28 सेक्टर के लिए चला जाता हूँ। तो उसके लिए यार सॉरी यार, ये हो जाता है, अब मैं भी नया हूँ सिटी में, तो चलो एक्सप्लोर कर रहा हूँ। चलो भली है ना, मतलब लेफ्ट साइड के पेड़ आप देखो, मतलब पूरे बसों को टच करते हुए जा रहे, इतने नीमे नीमे पेड़ है यहाँ पे और कितना ब्यूटीफुल सा। यार गाइस बोट कर ली मैंने अपनी मनमर्जी, अब मैप ही मार लेता हूँ। यार मैप पे लोकेशन है, ये देखो आप, मोटर मार्केट 48 में भी है, 28 में भी है। अब यहाँ से जा तो 21 में चलें, जा 28 में चलें, 28 में चलते हैं हमें सेक्टर 28 मार्केट है। यार मोटर मार्केट चाहिए मेरे को गाइस, सेक्टर 28 मार्केट, मोटर मार्केट ये 38 की है, ये है 21C में है, 21C की लोकेशन दिखा रहा है ये। तो अब यहाँ से मैप ऑन करके निकलते हैं फिर। यार गाइस हो जाता है, अब क्या करें, धोखे तो लगते रहते हैं ज़िंदगी में। तो गाइस इस राउंड बाउट पे देखो आप कितना ब्यूटीफुल सा पार्क बना हुआ है, ये देखो आप चेक करो। तो ये देखो एक तो लाइटें बड़ी लंबी लंबी आती है और इस साइड है सेक्टर 21, तो इधर चलते हैं सेक्टर 21 की मोटर मार्केट। यहाँ से होती है सभी हरियाणा की जो जितनी भी बसें जाती हैं ना, उनकी जो एग्जिट है वो इस सेक्टर से होता है। ये देखो आप, सभी हरियाणा की बसें ही जा रही है और उधर से भी हरियाणा की बसें ही इस रास्ते पर आ रही हैं। ये जो है ये देख सकते हो आप, दक्षिण मार्ग है, ये दक्षिण मार्ग चंडीगढ़ का, वो देखो आप बोर्ड पे पढ़ो दक्षिण मार्ग लिखा हुआ है। गाइस फाइनली काफ़ी मुश्किलों के बाद सेक्टर 21 मिल ही गया, अब चलो जल्दी। तो गाइस ये है सेक्टर 21C की मोटर मार्केट और ये आज बंद है संडे वाले दिन। तो अब 28 सेक्टर में चलते हैं, वहाँ देख लेते हैं। तो गाइस ये रही सेक्टर 28 की मोटर मार्केट और यहाँ बोल रहे हैं कि बाइकों का काम नहीं किया जाता है, मतलब बाइकों की लेमिनेशन नहीं की जाती। तो अब देखता हूँ 27 में कोई एक दुकान बता रहे, वहाँ चलता हूँ। ये देखो आप, सारी की सारी जो है गाड़ियों की मार्केट है यहाँ ना, ये देखो गाड़ियों के काम चल रहे हैं यहाँ। तो गाइस फाइनली मैं इस शॉप पे गया था और मैंने इनसे पूछा कि मतलब बाइक के काम के बारे में, बोलते जा तो 21 में जाओ या 28 में जा मनी माजरा। तो यार 21 की मोटर मार्केट आज बंद है, 28 में वहाँ मेरे को मतलब बाइकों की रिपेयर वाला कोई बंदा नहीं मिला। अब मैं सोच रहा हूँ मनी माजरा तो वो पड़ेगा पंचकूला के पार, तो इससे अच्छा 38 में है एक मोटर मार्केट, वहाँ जाके देख लेते हैं। मतलब यार संडे वाले दिन ये सीन होगा मैंने सोचा नहीं था, पर
काफी ज्यादा मोटर मार्केट है, बंद है मतलब संडे वाले दिन। तो अब 38 में चलते हैं, वहां देख लेते हैं कि क्या रिस्पॉन्स रहता है। तो गाइस ये रही आई लव पालिका, पालिका मार्केट सेक्टर 19 की, और ये देखो आप यहाँ पे सारी की सारी ये जो मार्केट है। तो गाइस ये देखो आप 38W इधर ही है मोटर मार्केट, तो चलो जल्दी से। गाइस ये रहा रास्ता, वो रही सामने 38 की मोटर मार्केट, और ये खुली हुई है आज। यहाँ से आपने लेफ्ट लेना होता है, ये देख लो आप बोर्ड 38W का। तो फाइनली मैं पहुँच गया इस शॉप पे, जहाँ ये मेरे को मिली कार बाइक लेमिनेशन जग्गी की शॉप। यहाँ मैंने बाइक अपनी खड़ी कर दी और मेरे को कुछ टाइम वेट करना पड़ा, फिर मेरी बाइक क्या जो है लेमिनेशन का काम शुरू होने लगा। सीट निकाल दी इन्होंने, कुछ साइडों के कवर निकाल दिए, फिर ये देखो आप देखो, फिर टंकी की जो लेमिनेशन है वो शुरू हो गई। काफ़ी अच्छे से इन्होंने मतलब पहले साफ करी टंकी, और पेट्रोल भी लिया इन्होंने इसमें से थोड़ा बहुत, फिर पेट्रोल से साफ किया, फिर उसके बाद एयर ढक्कन निकाल दिया पूरा, फिर स्प्रे मारी, और ये खुल लेमिनेशन जो थी ये इस पर इस प्रकार से स्प्रे का काम करना शुरू किया। फिर बड़े ही प्यार से ऊपर ऐसे लगाया, और उसके बाद इसे अच्छे से इसका जो पानी वगैरह है वो निकालना शुरू किया। हीट मारी गई इसे, प्रॉपर तरीके से इसकी लेमिनेशन जो है होनी शुरू होगी। टैंकी की लेमिनेशन कंप्लीट हो चुकी थी, फिर जो ये देखो यहाँ कटिंग जो है चल रही है, जो पेट्रोल का ढक्कन था उसके ऊपर की प्रॉपर कटिंग जो है होनी शुरू हो गई थी। ढक्कन लगाया इन्होंने, मैंने चेक करके देखा था, फिर साइडों से इस पन्नी को निकाला गया, दोनों साइडों से फिर टेपिंग हुई, फाइनल टचअप की जो टेपिंग होती है वो होनी शुरू हुई। फिलहाल टंकी का ही काम जो था चला हुआ था इस पर, अब दूसरी साइड भी टेपिंग जो है वो लगा दी गई। और फिर जो पीछे सीट का जो हैंडल होता है इसे निकालने की कोशिश जारी, क्योंकि इसे निकालने के बाद ही बैक जो बाइक की बैक वाली साइड थी उस पर लेमिनेशन होनी थी। तो काफ़ी ज़्यादा जोर लग रहा था इन भाई साहब का, आखिर निकाल ही दिया इन्होंने इसे, और इस एंगल को निकाल डाला गया इस। फिर कुछ इस प्रकार की नज़र आने लगी भाई। मैं बाहर चला गया था कुछ खाने को, फिर मैंने थोड़ी बहुत आपको दिखा दी ये मार्केट की, आप देख लो। ये आफ्टर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, उस टाइम मैं कुछ भी नहीं बोल पाया था क्योंकि पब्लिक जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो मेरे को ये बाद में रिकॉर्ड करना पड़ा। तो आप फिलहाल ये देखो, और सामने वो देखो शॉप वहाँ पर, और ये जो भाई था इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसलिए इन्होंने दूसरा जो है भाई वो लगा दिया मेरी बाइक की लेमिनेशन करने के लिए। तो इन भाई साहब ने वो देखो आप देख सकते हो, इन्होंने काफ़ी अच्छे से मतलब वर्क किया, फिर जो मेरे ये पार्ट्स निकाले हुए थे इनके ऊपर भी लेमिनेशन करी गई। और अब बारी आती है फेस की, तो इसके फेस के ऊपर इन्होंने जो रैप है वो लगाया ब्लैक कलर का, क्योंकि इसके ऊपर जो है वाइट पन्नी नहीं लगनी थी, वो ब्लैक कलर का ही फेस था इसका, तो ये इन्होंने लगा दिया। और उसके बाद जो लुक थी वो बहुत ही प्यारी आनी शुरू होगी। और फिर कटिंग की गई आराम से ध्यानपूर्वक, फिर अच्छे से साफ़ किया। अब साइडों पे इसके पन्नी वगैरह लगाई गई, जो लेमिनेशन है वो लगाई गई। अब दूसरी साइड लगाई गई, फिर टेपिंग की गई, फिर उसके बाद आ जाती है बारी जो मरकार्ड है हमारा फ्रंट, इसके ऊपर इन्होंने ये ब्लैक रैप ही कर दिया, क्योंकि इन्होंने कहा कि ब्लैक रैप जो है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने कहा कोई बात नहीं आप यही लगा दो, तो इन्होंने यही लगा दिया। और इसके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं थे, ये उसी में इंक्लूड था, जो मेरी लेमिनेशन का प्राइस था उसी में इंक्लूड थी ये चीज़ें सारी।
तो बड़े ही ध्यानपूर्वक इसकी कटिंग करी गई, फिर टेपिंग करी गई और इस प्रोसेस में कम से कम फिर इसे लगाया गया वापस, मतलब वैसे ही जैसे चीज़ें निकाली थी सारी की सारी चीज़ें इन्होंने वैसे ही लगा दी। और इस प्रोसेस में कम से कम मुझे चार घंटे इनके पास रुकना पड़ा दोस्तों। अब यहाँ से देखो अब पूरा काम जो है फिनिश हो चुका है और कुछ काम जो था वो पेंडिंग था वो सरप्राइज़ के लिए मैंने आपको रखा हुआ है, लास्ट तक आप बने रहना पूरी वीडियो में। और ये तीन चार प्रकार की इनके बाद लेमिनेशन थी और ये जो था ये था सरप्राइज़। तो गाइस ये सामने एक बाइक थी 600 सीसी, इसे देख के मेरे से रहा नहीं जा रहा था, मैंने इसके भी शॉट जो ऐड कर दिए काफ़ी सॉलिड बहुत। सो फाइनली गाइस अब जाके टाइम हुआ है 6:30 बजने वाले हैं और मैं अब जाके अपने लेमिनेशन मतलब जो भी इस पर करवानी थी मैंने लेमिनेशन उससे मैं फ्री हुआ हूँ। तो अब दिखाता हूँ मैं आपको इसकी फाइनल लुक और करते हैं बात इसके कॉस्ट की मेरे को कितने की अराउंड ये सारा का सारा सिस्टम बैठे से मैंने क्या क्या चीज़ें जो है करवाई हैं आगे से। आप एक तो सबसे पहले जो नोट करने वाली चीज़ आ रही है वो आ रही है ये वाली लाइट, इस पे मैंने ब्लू कलर की पन्नी जो है लगवाई है, यहाँ पे इन्होंने ब्लैक मैट वगैरह जो है वो लेमिनेशन चढ़ा दी थी यहाँ पे करा इन्होंने। और इसके ना बैक में नहीं होते बोलते, यहाँ पे जो है वो मतलब लेमिनेशन वगैरह करने के लिए उन्होंने मना कर दिया था, ठीक है। तो अब बात आती है इसके बैक पे, आगे जाते हैं तो इस पर पूरी जो टेंकी है आपने देख ही लिया, पूरी टेंकी को लेमिनेशन किया है, पीछे भी सारा सेम सिस्टम किया है इन्होंने, काफ़ी अच्छी थी मतलब वो ग्रिप मतलब। और उसके बाद ये देखो आप कुछ इस प्रकार का आ रहा है और इसे लगाने का पर्पस ये था कि स्क्रैचेस ये जो है ये बच सकती है। और अगर हम बात करते हैं उसके बाद मैंने जो चीज़ें आपको नहीं दिखाई थी वो थी ये वाली, और आप कमेंट करके मेरे को बताओ कि आपको ये बाज कैसा लगा गाइस। ये बाज मैंने लगवाया है और ये लगवाया मैंने ये मनी किंग, क्योंकि यही चीज़ है जो पैसे खाती है हमारी, यहीं से पेट्रोल वगैरह जो है इसमें जाएगा। तो अब करते हैं बात इसकी कॉस्ट की, तो अराउंड मेरे को जितनी भी मतलब जो पूरी की पूरी बाइक की जो लेमिनेशन है ये मेरे को अराउंड पड़ी है टोटल 750 रुपये, 730 रुपये की मेरे को पूरी लेमिनेशन पड़ी है। मैंने वाइट कलर की मतलब नॉर्मल वाली मैंने जो होती है ना वाइट कलर वाली वो करवाई है, काफ़ी मोटा स्टफ था, इसमें तीन प्रकार की आती है वो मैंने आपको उसमें मतलब दिखाया है मैंने। इसमें एक आ रही थी स्मोकी ब्लैक, एक आ रही थी फुल ब्लैक और एक थी ये वाइट वाली, तो मैंने वाइट वाली करी है ताकि प्लेटिना की जो लुक है वो भी ख़राब ना हो। और उसके बाद ये वाली जो है चीज़ इन्होंने ये वाला जो मतलब इतनी सी वो लगाने के लिए मेरे से इन्होंने 50 रुपये लिए इसे लगाने के, ठीक है। मतलब वो इन्होंने मेरे से लिए नहीं लिए, एक ही किस्म की बात है, 750 में इन्वॉल्व हो गया है ये। और अगर बात करें हम इसके तो ये वाला जो है ये मेरे को बाज पड़ा है 80 रुपये का, टोटल 80 रुपये का नहीं सॉरी 130 रुपये का ये वाला मेरे को बाज पड़ा है। और इसके लगे हैं 80 रुपये टोटल, मतलब ये वाला जो ब्लैक लेमिनेशन है ये और ये मनी किंग ये लगवाने के 80 रुपये इसके और ये इसके। अगर कुल मिला के प्राइस की बात करी जाए तो कुल मिला के प्राइस पड़ा है मेरे को अराउंड 960 रुपये मेरे को अराउंड पड़े हैं इसे पूरा इतना सा कम्प्लीट करवाने के लिए। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा इस मतलब लेमिनेशन वाली जो भी मैंने मॉडिफिकेशन करवाई है प्लेटिना की उस वीडियो को देखने में। और कुछ जो पार्ट हैं मैं वहाँ पे बोल नहीं पाया उसे मैं जो हूँ मतलब ऐड ऑन करूँगा अपनी वॉइस अलग से। तो बस इस व्लॉग को प्यार देना और सपोर्ट देना, तो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं इसके ऊपर और कौन कौन से काम जो है मैं करवा सकता हूँ। पर फिलहाल मेरे को थोड़े बहुत पैसे भी कमाने हैं, आपको पता ही है राइडिंग करेंगे काम करेंगे फिर ही इसके ऊपर पैसा लगा सकता हूँ। तो फिलहाल बस थोड़े बहुत पैसे आए थे आपने देख ही लिया पर्सनल राइडों से, तो जो है लगा दिए इस पर 960 रुपये इस पर लग चुके हैं अभी। और जो भी रहा सीन अच्छा था, पर संडे वाले दिन मैं आपको यही बोलूँगा कि संडे वाले दिन जो मैंने मार्केट दिखाई है वहीं जाना और कहीं मत जाना, नहीं तो आप भी मेरी तरह ऐसे धक्के खाते फिरोगे। तो ठीक है वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद जय भारत, बाय एंड टेक केयर।